एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एक मिनरल जो हाइपोथर में इन्वॉल्व है ये से भी रिलेट करता है ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको थायराइड का मसला यहाँ ये जानना जरूरी है कि की नब्बेड के मसले ऑटो इम्यून है। इम्यून सिस्टम थाड सेल्स को पैथोजन समझते हुए कोई वायरस या बैक्टीरिया समझते हुए थायरॉयड सेल्स पे अटैक करता है एंटीबॉडीज बनती है एंटीबॉडीज इन्फ्लेमेशन पैदा करती है थायरोयड का फंक्शन रुक जाता है नब्बे परसेंट केसेज में यही होता है अब बात करते हैं उस जरूरी न्यूट्रिय की। इसका नाम है सिलीनियम हाइपोथायर में बॉडी सिलीनियम डेफिशिएंट होती है और ये बहुत कॉमन है हाइपोथायर में बॉडी एक एंजाइम थायराइड पर ऑक्सीडे के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है ये एंटीबॉडीज इस एंजाइम के फंक्शन को रोकती है जो की थायरॉयड हार्मोन बनाना थाड हार्मोन नहीं बन पाते ये है एक वजह फिर उसके बाद है थायरोग्लोबुल रिसेप्टर्स की खराबी ये टी एस एच रिसेप्टर है टी एस एच मतलब थारॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि दिमाग में मौजूद पेचोटरी ग्लैंड से निकलता है ब्लड जाता, तक तक पहुंचता, इसकी मौजूदगी में थाइराग, थाइराग बनाता, को तक पहुंचने के लिए लैंड करने के लिए अपना काम करने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत होती है लैंडिंग साइट की जरूरत होती है और हाइपोथायर में बॉडी इन्हीं रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है रिसेप्टर डिजेनरेशन होती है थायराइड को पता ही नहीं चलता कि उसने हार्मोन बनाना क्योंकि उसे सिग्नल ही नहीं मिल पाता यहाँ सेलेनियम हेल्प करता है सेलेनियम एंटीबॉडीज टी फोर से टी थ्री बनने में जो कि एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की टी फोर एक्टिव फॉर्म नहीं है बॉडी को एक्टिव फॉर्म चाहिए टी फोर जब तक टी थ्री में कन्वर्ट नहीं होता तब तक इसका कोई फायदा नहीं है और सेलेनियम इस कन्वर्जन में इसकी हेल्प करता है इसकी साल इस तरह है की अगर बॉडी में सेलेनियम की कमी है तो आप जितना मर्जी थायरोक्सिन या सिंथेटिक टी फोर ले लें यह फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ असल मसला है कन्वर्जन का इवन ब्लड में भी नॉर्मल टी फोर नजर आएगा लेकिन बॉडी में कोई असर नहीं होगा क्योंकि टी थ्री बन ही नहीं पा रहा टी थ्री की कमी है तो यहाँ मसला थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में नहीं है कन्वर्जन में सेलेनियम मिक्स्ड ईडीमा को कम करता है जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में एक बड़ा मसला है जिसम फूल जाता है ये फैट डेपोजिट नहीं होता ये बॉडी में पुअर फ्लूड मेटाबोलिज्म की वजह से होता बन नहीं पा रहे। और है सलीनियम इन्फ्लेमेशन कम करता है क्योंकि ये ग्लूटाथायॉन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ग्लूटाथायॉन एक पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है यही वजह है कि ये लिवर के लिए भी बहुत जरूरी है लिवर इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस फैटी लिवर लिवर इंजाइम रिडक्शन लिवर कैंसर और सेलेनियम की कमी की वजह से ऑटो इम्यून डिस का रिस्क वैसे भी बढ़ जाता है हाइड्रोजन पारोक्साइड मेटाबॉलिज्म में और इवेंचुअली थायरॉइड टिश्यूज को हाइड्रोजन पारोक्साइड टॉक्सिसिटी से बचाता सिलीनियम मिलेगा फिश में मीट में बीफ चिकन मटन डेरी प्रोडक्ट्स एग्स नट्स स्पेशली वॉलट्स क्रूसिफरस वेजिटेबल्स कैबेज ब्रॉकली क्यूकम्बर अनियंस गार्लिक ऑर्गन मीट्स, बीफ फिवर वगैरह सिलीनियम था नोड्यूल्स के रिस्क को भी कम करता है अब बात करते हैं की की. अगर आप की शिकार है, तो सबसे पहले तो इन सारे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें और फिर एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाए लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन है टू माइक्रोग्राम सिलीनियम पर डे और इसके साथ बाकी ट्रेस मिनरल को भी बॉडी में बैलेंस रखें ताकि किसी किस्म का इम्बेलेंस न हो अपना ख्याल रखिये आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में